खरगोन शहर में विगत दिनों यातायात पुलिस विभाग ने बसों में बिना मास्क न बैठने को लेकर कंडक्टर और ड्राइवरों को हिदायत दी थी। इसके बाद भी बसों में न तो ड्राइवर और कंडक्टर मास्क लगा रहे हैं और न ही यात्री मास्क लगा रहे हैं। आए दिन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे प्राइवेट बसों के खिलाफ अब यातायात पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। यातायात थाना प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि बस संचालकों की बैठक लेकर उन्हें हिदायत दी है कि बैठक में सवारियों को ठूस ठूस कर न बैठाएं। बिना मास्क और ज्यादा सवारी बिठाए जाने पर चालानी कार्यवाही के साथ जब्ती की जा सकती है। कोविड को देखते हुए नियमानुसार बस में सफर करने वाले प्रत्येक यात्री का शरीर का तापमान और यात्री का पूरा पता होना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट बस संचालक किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। चालक परिचालक को वर्दी भी अनिवार्य की गई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बैठक ली थी ड्राइवर कंडक्टरों की, बिना मास्क के बसों में नहीं बैठे। इसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के सफर कर रहे हैं सर, ना तो ड्राइवर लगा पा रहे हैं, ना कंडक्टर हो ना सवारी। ये उनको बताया गया था उस मीटिंग में भी कि अब कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो उनको इस तरह के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु बताया था, जिससे कि बसों में भी वो मास्क रखें। कई लोग जो मास्क नहीं लगाए उनको मास्क लगाने हेतु निर्देशित करें। अब ये दिखवाते हैं, ये वैसे तो लगाते हुए जो नहीं चलेगा तो कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। बसों में पाम्पलेट भी लगे हुए कि बिना मास्क के बसों में ना बैठे, उसके बावजूद भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही सर। जी हाँ, ये सही है कि पम्पलेट्स लगे हैं, हमारे द्वारा भी लगाए गए हैं नगर पालिका के माध्यम से बसों में और सभी जगह जागरूकता के लिए पम्पलेट्स लगे हैं। उसके बाद भी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही कार्रवाई करना पड़ेगी और कार्रवाई करेंगे अभी। सर, ये मोटरसाइकिल वालों को जो गाँवों से आती है अधिकतर और शहरों की, उन पर चालानी कार्रवाई अधिकतर हो रही है, मगर बहुत सारे डंपर वगैरह ट्रैक्टर वगैरह जिन पर नंबर प्लेटें नहीं है पर उन पर कार्रवाई नहीं होती और चौराहे से भर पल्ले गुजर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई सभी के ऊपर चल रही है, सिर्फ मोटरसाइकिलों की बात नहीं, सभी तरह की गाड़ियों पर चालान हो रहे हैं जो गलत चल रही हैं। गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, कार्रवाई सभी पर जारी है। क्या नाम? मैं थाना प्रभारी यातायात दीपेंद्र स्वर्णकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।